समझने वाले नहीं वेलकम समझेंगे, बैक वो टू अलग माय ही मायने चैनल में वो फ्रेंड्स। अलग ही आज जुड़े हम में आ गए हैं अरे महाराजा वो नहीं श्री कहा जाता। श्रीमद् भागवत जब क्या कथा होगा में, जब जहाँ रहोगे पे ही नहीं, देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी अभी का तो रह सकते हो, भागवत कथा प्रयास होना कर है। सकते हो, ये देखिए ऐसी बीमारी लगा देगा कि रहोगे ही नहीं, तो रहो ही ना उसे, तो बढ़िया थोड़ा बहुत रह लो। ये गेट है, यहाँ बहुत से चलिए हम जल्दी अंदर चलते हैं। तो महादेव बैठे कैलाश पर, बैठे देखो इसको कहते हैं तब कैलाश पे बर्फ ही बर्फ है। ये दूर से आप लोगों को पंडाल में दिखा रही हूँ, भीड़ कम है, उतना भीड़ नहीं है जैसे कि और कथा में होता है। यहाँ पे बाकी बिहारी जी का दर्शन कर लीजिए, देखिए सामने में बाकी बिहारी जी बने हुए हैं। चलिए मैं आप लोगों को पास से एक बार दर्शन करवा दूँ। श्री बाकी बिहारी दर्शन एवं परिक्रमा लिखा हुआ है। ये देखिए आप लोगों को मैं बाकी बिहारी जी का दर्शन करवा ले रही हूँ, बाकी बिहारी जी का दर्शन करवा दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए चारों तरफ स्टॉल लगा हुआ है, सब पूजा की सामग्री बिक रही है चारों तरफ। ये देखिए एक बार, और ये पंडाल है, पंडाल में बहुत ज़्यादा भीड़ तो नज़र नहीं आ रहा है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कितना भीड़ है, कितने लोग आए हैं। चलो राधे 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 राधे। आप लोग अंदर नहीं जा रहे कथा सुनने? अच्छा आप लोग हैं, अच्छा। देखिए वॉलंटियर लोग खड़े हैं यहाँ पे, देखिए पंडाल पूरा खाली है, बहुत कुछ इधर खाली है। इस साइड में है भक्त लोग, देखिए यहाँ पे पर उतना रश नहीं है जितना होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए एलईडी लगा हुआ है, इसमें भी लोग कथा सुन रहे हैं। देखिए मैं आपको पास से मंच दिखाने की कोशिश करती हूँ, देखिए चले जा हमारे पूर्व जन्म के पाप, पास से आपको कर्मों के कारण देवकी नंदन पंडित जी दिखाई दे रहे हैं। हमें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, सामने कैमरा लगा हुआ है इसलिए पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। देखो कोई चैनल वाले का लगा है, लाइव हो रहा है वहां से। अच्छी लगती है एक जिन्हें फिल्में अच्छी लगती है, एक जिन्हें सीरियल अच्छे लगते हैं, उपन्यास किताब आदि वो पढ़ते हैं, गलत सब्जेक्ट गलत चीजें उन्हें अच्छी लगती है। अब क्या वजह है, हम तो हुए तो पैदा भारत में ही, हम लोगों की मेंटेलिटी तो रामायण में भागवत में पुराण में ये में उसमें होनी चाहिए, फिर भी हम फिल्म देखने क्यों लग जाते हैं, फिर भी हम गंदे आप लोगों को थोड़ा भागवत कथा सुना दे रही हूँ, आप लोग सुनिए। क्योंकि कर्मों का फल है पाप, जिसके जीवन के पूर्वकृत पाप भी ज्यादा होंगे उनका मन इन बुरी चीजों में लगेगा, बुराइयों में लगेगा। वो बुरा देखना चाहेगा, वो बुरा सुनना चाहेगा, वो बुरा बोलना चाहेगा, वो बुरी जगह जाएगा। और जिसके सुकृत अच्छे हैं, पूर्व जन्म के भी सुकृत अच्छे हैं और यहाँ संग अच्छा है तो क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाए, मंदिर जाएगा, कथा जाएगा, और माँ ने तुम्हें 9 महीने रखा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हारे संसार में सबसे अच्छा मित्र अगर कोई है तो वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा पिता है, इससे अच्छा मित्र कोई नहीं। और हम तो आपसे एक ही निवेदन करेंगे, जिनको अपने माँ बाप की चिंता हो उन्हें बाहर दोस्त नहीं ढूंढने चाहिए, जिन्हें अपनी जिंदगी की चिंता हो, जिन्हें अपने जीवन की चिंता हो उन्हें दुनिया में कहीं मित्र नहीं ढूंढने चाहिए। यहाँ मित्र नहीं है, यहाँ तो फ्रॉड है साहब। जब मौका मिलेगा तुम्हें खून के आंसू रुला देंगे, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है इन्हीं नकली फ्रेंडों के चक्कर में। मैया करवा चौथ का व्रत रहेंगी, इतनी नहीं रहेंगी, आप नहीं रहोगी, मैं रह लूंगा आपकी जगह। जब कोई काम मां ना कर सके तो बेटे को भी व्रत कर लेना चाहिए अपने पिता के लिए, क्या करें, कर सकते हैं, लेकिन हम तो ऐसे ही कह रहे हैं जिनका स्वास्थ्य अलाउ ना करे बुढ़ापे में और कैसे भी से ऐसी स्थिति हो, तो आप परमात्मा से सच्चे मन से प्रार्थना कर दें और परमात्मा आपको ऐसे व्रत से ही प्रसन्न होगा, यह जरूरी नहीं, आपके मन से की हुई प्रार्थना भी आपके पति के लिए मंगलमय हो सकती है।
अब ये कतई ना समझ ले कि मैं ये कह रहा हूँ कि करवा चौथ का व्रत नहीं रहना चाहिए। जो रखने में सक्षम हो वो रख सकते हैं, रखना चाहिए, उसका बड़ा महात्मा है। क्या वो हम बाद में बताएंगे, अभी कथा। तो कितने अपराध आपने सुन लिए? सुखी होना चाहते हो तो राम को छोड़ नहीं, राम को फॉलो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सुन लीजिएगा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में फिर उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, यहाँ सुखी राम के दास, यहाँ सुखी राम। करते साधना करते एक और बात सीख लो आप, साधना के पथ पे हो तो क्रोध कम करना चाहिए। आप जितना क्रोध करेंगे उतनी आपकी साधना कमजोर होगी। आपको शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। आपका शब्द अगर उल्टा सीधा कुछ भी होगा तो आपकी साधना को नीचे ले आए। आप साधना के पथ पे हैं, इस बात का पता कैसे चलेगा कि जैसे जैसे आप साधना के पथ पे चलेंगे आपका क्रोध आपका तेज दोनों बढ़ेगा। और क्रोध को पचाना है इससे तेज से, अगर बचा गए और पचा गए तो सफल हो जाओगे। बोलो राधे। देखो कितने धीरे बोल रहे हो, और जोर से। तो मेरे प्यारे, बाबा ने सोचा कि इसने ना चोरी से कथा सुनी है, इसलिए मैं इसका वध करूंगा। तो बाबा ने त्रिशूल उठाया और शंकर भगवान को सुख को मारने के लिए दौड़े, तो सुख वहीं आत्म रूप से भागे, आगे आगे सुख और पीछे पीछे बाबा। अब देखो जो चोरी से कथा सुनता है ना वो दंडनीय अपराध करता है। अब चोरी से कौन कथा सुन रहा है? जो अभी भी भिलाई में बैठ के टीवी पे सुन रहा है, यूट्यूब पे सुन रहा है, वो चोरी कर रहा है। अच्छा बताओ, मैं झूठ कह रहा हूं? कई लोग नहीं देख रहे होंगे टीवी पे, आस्था भजन पे, यूट्यूब पे, बोलो देख रहे होंगे कि नहीं? कौन है वो? चोर है, चोरी कर रहे हैं। अच्छा यहां पर भी थोड़ी छूट दे दे, अगर कोई बच्चा हो और पढ़ रहा हो, कोई जरूरी काम हो, इट्स ओके। और अगर कोई वयोवृद्ध हो जो चलने में बहुत असमर्थ हो उसको भी छूट दे दो। लेकिन अगर तुम सिर्फ कमाई के चक्कर में छोड़े बैठे हो, सिर्फ दुकान के चक्कर में छोड़े बैठे हो और किसी सांसारिक चक्कर में छोड़े बैठे हो और फिर वहीं बैठ के सुन रहे हो तो फिर ये चोरी है। फिर तो आपको यहीं आकर बैठकर कथा सुनना चाहिए। सुख ने चोरी से कथा सुनी थी, बाबा ने त्रिशूल उठा लिया, हम तुम्हें मार देंगे। आगे आगे सुख, पीछे पीछे बाबा, भाग रहे, तुम्हें मार देंगे। बाबा कह रहे रुक जा, तेरा वध करूंगा, रुक जा, तेरा वध करूंगा। सुख कहते बाबा बाकी आप भोले भंडारी, आपको ऐसे ही नहीं कहते लोग भोले भंडारी, आप बाकी भोले भंडारी। बोले क्यों? बोले जिसे पता हो कि मेरे मारने वाला पीछे आ रहा है तो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा नहीं, आप मुझे मारना चाहते। वैसे बाबा बहुत बोले, कितने बोले, इतने बोले कि न जाने किस किस को क्या क्या दे देते। एक बार एक चोर चोरी करने के लिए गया, बिलाई में चोरी करता फिर रहा था पूरी रात, सबके दरवाजे बंद, सबके आगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। अब वो कहीं मैं चोरी करने कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? आजकल भी सेठ लोग सब सावधान हो गए सबके, अरे पहले गेटों पे ही सीसीटीवी कैमरे होते थे, अब तो वो आंगन में भी लगा के रखे हुए लोग, किस किस के लग रहे, लगे हुए ना। और सही भी है, वैसे सुरक्षा रखनी भी चाहिए, लोग बाहर से गाड़ी चुरा ले जाते हैं। अच्छा गजब की बात है, कैमरे में आ भी गया कि ये गाड़ी चुरा के ले जा रहा है फिर भी गाड़ी पकड़ी नहीं जाती, इसे भारत में हो सकता है? कह रहा हम कहेंगे तुम समझ लो। देख चोर चोरी करने के लिए गया, रात भर भटका, भिलाई में कहीं नहीं मिला उसे कुछ चोरी करने के लिए, कुछ रास्ता ही नहीं मिला एंटर करने का। तो पता है क्या हुआ, एक पुराना सा मंदिर था शंकर भगवान, तो उसको लगा कि चलो इस मंदिर में घुस जाते हैं, यहीं कुछ मिल जाए, कुछ तो मिलेगा। तो शंकर भगवान के मंदिर में गया तो वो भी दान पात्र पे भी तान लगा हुआ, और दान पात्र को खंभे से बंधा हुआ, सांकर लगी हुई, बोले इसको भी नहीं कुछ कर सकते। अब करें तो करें क्या, कुछ भी नहीं, रात काली हो रही है, चुराने को कुछ मिला ही नहीं। तो उस चोर की नजर गई शंकर भगवान की जो शिवलिंग थी ना ऊपर, ऊपर देखा कि वो घंटा लटका हुआ है, जाते हैं ना मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं,
चोर बोला खा लिया जाने से तो कोई फायदा नहीं, इसे ही उतार ले चलते हैं, कुछ तो करें। अब उसे उतारने के लिए हाथ ऊपर किया तो छोटा पड़ गया चोर, हाइट छोटी रही होगी और वो ऊपर था। बोले अब क्या करें, अब देखें उधर उधर नशेनी वसैनी कुछ मिल जाए, कोई नशेनी नहीं दिखी। चोर को लगा अब तो खाली नहीं रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अचानक से दृष्टि पड़ी शिवलिंग पर, बोले शिवलिंग किस काम में आएगा, इसी पे चढ़ जाते हैं। वो जब चढ़ गया शिवलिंग पे, शिवलिंग पे चढ़ा, घंटा खोला और घंटा खोल के जाने लगा, जट शंकर भगवान प्रकट हो गए। वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, जोर से बजा लेते, तुम्हें नहीं मिलना उसे तो मिलने दो, अब तुम्हें नहीं मिलना तो मतलब किसी को नहीं मिलना चाहिए ऐसा। एक बार चलिए देखिए पंडाल का भीड़ आपको दिखाते चलती हूँ। और मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए हमें आज फिर वाले बाबा मिल गए, राधे राधे, आज फिर मिल गए आप मेरे को। सेंट आप वो कर दिए सबके ऊपर, सेंट भक्त लोग के ऊपर सेंट आप छिड़क दिए, छिड़क दिया। अच्छा चलिए इसके बाद आप शाम को फिर छिड़केंगे, बीच बीच में, बीच बीच में भजन आएगा तो आप अपना ड्यूटी में लग जाएंगे। चलिए राधे राधे। Yeah.